साइलेंट रहिए। ए वो कप्तान का है बाहर रह गया, यहाँ देखिए ना समझा रहे तो आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये फिजिक्स का आपका कैमा चैप्टर है, छठा चैप्टर, और बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा तो एक कैमा बारहवा, अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज 12th चैप्टर, ठीक है। ये आपका बारहवा चैप्टर है ध्वनि साउंड। देखिए रियली ना आप साउंड जो हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है एक साउंड है, वो अलग बात है कि हर एक स्टूडेंट का या हर एक चीज का साउंड अलग अलग है। जैसे हम बोल रहे हैं मेरा साउंड अलग है, इसमें बजा रहे हैं इसका साउंड अलग है, नहीं इसको टकराएंगे तो इसका साउंड अलग है, हर एक चीज का साउंड अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आप सुन रहे हैं या जो आप सुनते हैं वही ध्वनि है। जो कुछ भी आपको सुनाई देते वो एक तरह का ध्वनि है, चाहे वो हवा का ही आवाज क्यों ना हो। जैसे तेज हवा चलता है तो सनसनाहट का आवाज आता है, वो भी एक तरह का ध्वनि है। तो ध्वनि किसे कहते हैं तो आप नॉर्मल भाषा में समझिए, जिसे भी हम सुन सकते हैं दैट इज कॉल्ड साउंड, उससे हम लोग ध्वनि कहेंगे। और जो नहीं सुनते हैं वो भी ध्वनि है, और जो सुनने से भी बहुत अधिक ज्यादा हो जाता है वो भी ध्वनि है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है इसमें कि जो सुन सकते हैं वो ध्वनि है। जैसे आप ध्वनि में चलिएगा ना तो आपको तीन तरह के आ जाएगा, दो तरह के, एक अश्रव्य ध्वनि, एक प्राश्रव्य और एक अवश्रव्य, यानी तीन तरह की ध्वनियां होती है। तो जो ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं ऑडिबल साउंड होता है उसे हम लोग ऑडिबल साउंड बोलते हैं, जो हम लोग सुन सकते हैं। और जो नहीं सुन सकते, जैसे हम लोग जो सुन सकते हैं ध्वनि की उसकी जो आवृत्ति होती है वो आपको 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है, 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। अगर कोई भी साउंड इसके बीच में है तो उसे हम लोग सुन सकते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी ध्वनि की जो फ्रिक्वेंसी होगी इसी बीच में है, तब हम लोग इसको सुन पा रहे हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत ज्यादा तेज सुन लेता है, आपको नहीं सुनाई देगा लेकिन वो व्यक्ति उसको सुन लेगा। जैसे कुत्ता, कुत्ता आपको पता होना चाहिए कि 5 हर्ट्ज तक के ध्वनि को सुन सकता है। लेकिन अगर बताइए तो हम लोग अपना बात करें तो क्या 20 से नीचे वाले को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, लेकिन कुत्ता सुन लेगा। इसीलिए देखिएगा कि कुत्ता सुतल भी रहेगा, आप कितनों पैर एकदम दबदबा के ऐसे चलिएगा ना फिर वो जग जाता है। तो जाग जाता है ना, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि आप जब चल रहे होते हैं तो आपके चलने की वजह से साउंड उत्पन्न होता है, वो साउंड आपको नहीं सुनाता है लेकिन वो इतना स्लो साउंड उत्पन्न होता है कि कुत्ता सुन सकता है लेकिन आप नहीं सुन सकते। तो जब कुत्ता सुन सकता है तो क्या आप जागेगा नहीं? जैसे आप सोए हुए हैं, आपके पास थोड़ा सा आन करके कोई बोलेगा बाबू छेना ले उठ, आप नहीं उठ पाओगे, ये कौन आन के भूंभा बजा देते उठ के सबसे पहले खोज ले चले कौन बजा लो, बीच में उधर आ जाएगी उसे कूट देगा तू ही मार लो ले भयंकर मार मारेगा। तो बताइए कि यहाँ पास दिक्कत क्या हो रही है, इसमें आप अंतर समझिए कि हम लोग जिस साउंड को सुनते हैं उस साउंड का जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितना होती है 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक आराम से हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसा होता है जो एकरो से ज्यादा उत्पन्न कर देता है, मान के 30 किलो हर्ट्ज का ध्वनि उत्पन्न कर देगा कोई तो हम लोग सुनेंगे नहीं। लेकिन कुछ जीव जो होते हैं ना वो 20 किलो हर्ट्ज से बाहर के भी ध्वनि को सुन सकता है। जैसे चनबुद्री का नाम सुने हो, चनबुद्री या उसका नाम बोला जाता है बीट बोला जाता है अंग्रेजी में, चमगादड़, क्या बोलते उसको चमगादड़। तो चमगादड़ एक ऐसा जीव है, वो चमगादड़ 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को भी सुन सकता है, यानी कि उसके पास ये क्षमता होता है कि प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। प्राश्रव्य ध्वनि उसे कहते हैं जिसकी रेंज एकर बाहर हो, इसके बाहर हो। तो एक आप श्रव्य ध्वनि होता है, एक प्राश्रव्य, एक श्रव्य ध्वनि होता है। तो याद रखिए तीन तरह का होता है, एक आपका हम लिख दे रहे हैं प्राश्रव्य, प्राश्रव्य श्रव्य ध्वनि, तीन ध्वनियां होती है। तो हम लोग को पढ़ना कौन सा है तो मिडिल वाला, तो इसमें जब जाइएगा ना तो इसका रेंज कितना होता है तो 20 किलो हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से कम, यानी कि इसका जो अश्रव्य ध्वनि होता है वो याद रखिएगा कि 20 किलो नहीं जी 20 हर्ट्ज
बीस हर्ड से कम, याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से कम। और जो कि श्राव्य ध्वनि तो 20 हर्ट्ज से लेकर करके 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। और ये जो होता है ना ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक अधिक, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रश्राव्य ध्वनि, ठीक है। आप समझिए हम लोग कि ध्वनि है क्या, चाहे तो कोई भी ध्वनि, चाहे तो ये हो ये हो ये हो, कोई भी ध्वनि, वो ध्वनि आखिर है क्या। देखिए ध्वनि एक तरह का तरंग होता है, ठीक है। और तरंग उसको कहते हैं जो सीधा नहीं चलता है, तरंग किसे कहते हैं जो सीधा नहीं चलता है। आप फूटल बाल्टी ले लीजिए, एक बाल्टी पानी भर के आप चलिएगा तो क्या वो पानी जो गिरेगा कभी भी सीधा लाइन खींचेगा, कभी नहीं। मान के चलिए कि आप जानवर जा रहे हैं और जानवर जैसे बैल, बैल का टॉयलेट लग गया तो रुक के थोड़ा करता है, तो चलते चलते करेगा तो देखना कोई लाइन खींच देगा वो, तो क्या आप सीधा लाइन खिंचाएगा, कहीं नहीं खिंचाएगा। तो नहीं खिंचाएगा, तो तरंग भी उसी तरह का होता है जब वो, मतलब तरंग जो होगा ना तरंग, वो तरंग कभी भी सीधा नहीं चलेगा। वो आपको देखने में भले लगेगा कि क्या है वो सीधा है, लेकिन वो सीधा नहीं रहेगा। तो तरंग क्या होती है, तरंग की जो गति होती है, चलने की जो रास्ता होता है वो सीधा नहीं चलता है, बल्कि इस तरह से ऐसे तिरछा चलता है। तिरछा ऊपर वाला भी हो सकता है, लेकिन वो आपको ऐसे चलेगा। और जब तरंग ऐसे ऐसे जब कोई गमन करेगा इस तरह के पथ पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं तरंग। लेकिन यही चीज अगर ऐसे गमन ना कर 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 सीधा ऐसे गमन कर जाए तो इसे बोलते हैं किरण, इसे बोलते हैं किरण। याद रखिएगा ये आपका रे है किरण, और जबकि इसकी अब अगर बात की जाए ये वाला, तो ये आपका वेव है, तरंग है, ठीक है। तो तरंग की गति तिरछा, किरण की गति सीधा। तो ध्वनि क्या है, एक तरह का तरंग है, लेकिन तरंग भी पढ़िएगा तो दो तरह का होता है। अब तरंग पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ाएंगे। देखिए तरंग देखिएगा तो तरंग क्या है, ऐसे जो गति करे उसको तरंग कहते हैं। तरंग दो तरह का होता है, याद रखिएगा। पहला होता है अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। तरंग दो तरह का होता है, एक अनुदैर्ध्य और एक जो होता है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। एक अनुप्रस्थ सुनो सिलेंट रहो, अनुप्रस्थ तरंग। अब इस चीज को आप समझिए कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य क्या होता है, ठीक है। तो ध्वनि भी तो इसी दोनों में से ना कोई होगा, तो आपको हम ट्रिक बता देंगे, आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है। देखिए इसको बोलिएगा अनुदैर्ध्य, इसको बोलिएगा अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य में धा आ रहा है कि नहीं, बोलने में ऐसा नहीं उच्चारण हो रहा है, अनुदैर्ध्य तो धारा है। और ध्वनि बोलिए ध्वनि तो धारा है, तो ध्वनि बोलिएगा तो भी धारा है, अनुदैर्ध्य बोलिएगा तो भी धारा। तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य, धार से ध्वनि और अनुदैर्ध्य तो धारा है। तो जिसमें भी धा आ जाता है वो ध्वनि अनुदैर्ध्य हो जाती है, ठीक है। तो ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब अनुदैर्ध्य तरंग किसको कहते हैं, तो देखिए तरंग होगा तो जाहिर सी बात है कि किसी डायरेक्शन में गमन करेगा। तो अगर कोई तरंग जिस डायरेक्शन में गमन कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका कंपन हो जाए, कंपन में हिलना डुलना, तो जिस डायरेक्शन में कोई गति कर रहा है तरंग उसी डायरेक्शन में उसके कण की अगर कंपन हो, कंपन, तो वैसे तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे मान के चलिए कि इधर कोई तरंग है ऐसे, इस तरह का ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से ऐसे चल रहा है और इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो बताइए कि अगर इसकी गमन इस डायरेक्शन में हो रही है और हिल भी रहा है इसी डायरेक्शन में, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ कान है और एक कान को इधर धक्का दोगे, यहाँ पास एक और कान है, तो एकरो इधर नहीं हिलाएगा और फिर ये वाला आगे वाला को इधर हिलाएगा, तो इधर हिलाएगा तो इधर तरंग चल भी रहा है, ठीक है। इधर तरंग चल रहा है और इधर एक कंपन भी हो रहा है, हो रहा है। तो इसकी गति के डायरेक्शन में ही इसकी कंपन होती है, तो वैसे तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग बोला जाता है, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहेंगे, तो वैसी तरंग
जिस तरंग के डायरेक्शन जिस तरंग के गति यानी कि गति जिस डायरेक्शन में होगी उसी डायरेक्शन में उसका कंपन भी हो तो उसे हम लोग अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग किसको कहते हैं? तो जिस डायरेक्शन में कण की गति होगी यानी कि जिस डायरेक्शन में तरंग की गति होगी उसके गति के लंबवत यदि कण कंपन करता है तो उसे हम लोग अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये अनुदैर्ध्य है और अनुप्रस्थ कैसे होगा वो भी आप समझिए। जैसे मान के चलिए कि एक गति इधर कर रहा है, तरंग की डायरेक्शन इधर है मतलब तरंग इधर चल रहा है और अगर कान जो है ना वो ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा है इस तरह से मतलब ऊपर नीचे, तो जब ऊपर नीचे हिलता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया तरंग कितना तरह के? तो तरंग दो तरह का, अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग उसको कहते हैं जिस डायरेक्शन में तरंग गति करेगा उसी डायरेक्शन में उस कण का कंपन हो जाए, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य कहलाता है। अनुप्रस्थ किसको कहते हैं? तो सुनो, अनुप्रस्थ वह तरंग है जिस डायरेक्शन में तरंग गति करे उसके लंबवत उसका कंपन हो जाए वो आपका अनुप्रस्थ होती है। तो ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग है। अब एक चीज और याद रखें, ध्वनि एक तरह का ऊर्जा है, ध्वनि एक तरह का ऊर्जा है। और ऊर्जा क्यों है या कैसे है आप इसको समझिए। बताइए कि ऊर्जा जो होता है ना, ऊर्जा से हम लोग कोई काम को कर सकते हैं। बताइए ऊर्जा से हम लोग काम कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम में ऊर्जा ना रहे तो क्या हम आप लोग को पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते हैं। यानी कि ऊर्जा रहेगा तो हम इधर उधर हिल डुल सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। कार्य किसको कहते हैं? तो बल लगाने पर यदि विस्थापन हो जाए। तो बचपने में आप एक काम किए होंगे शायद, पता नहीं हम लोग के समय में था, जब बरसात के मौसम आता था ना तो एक पेड़ निकलता था छोटा छोटा, ओकरा में से को लोग अथी उसका बीच निकलता था, हाथ को लेकर को कस के चिल्लाता था, गैया भैंसिया मंगरुआ वाला भयंकर चिल्लाता था। अब दूर करके ऐसे करेगा ना तो नहीं वो हिलता डुलता था, लेकिन भीरू ऐसे करता है ना तो पूरा इधर उधर नाचने लगता था। तो लोग बोलता था कि देख हमारी बात को सुन लो और इधर उधर चले लगा। तो रियली में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता था। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या आप समझिए कि जब दूर से ऐसे चिल्लाएगा ना तो इसका जो साउंड का जो ऊर्जा होता है वो उतना ज्यादा नहीं पहुंच पाता है जितना कि नजदीक पहुंचेगा। जैसे ऐसे करके हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं ऐसे करके तो यहाँ आवाज चेंज हो जाएगा, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उस रिकॉर्डिंग में आवाज चेंज हो जाएगा। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं वहां चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसे बोलेंगे ना तो इसका आवाज कुछ और हो रहा होगा। एक अगर हम ऐसे करके बोल देंगे ना तो इसका आवाज कुछ और होगा। तो इसमें जो आवाज चेंजिंग हो रहा है ना, ये चेंजिंग के पीछे लॉजिक क्या है कि ये जो माइक जो मेरा है ना, माइक मेरे एकदम मुंह के करीब सटा हुआ है, तो आवाज जो हम बोल रहे हैं पूरा के पूरा इसके अंदर जा रहा है। लेकिन अगर इसको अगर हम साट कर इसको हटा करके ऐसे करके अगर बोल दें ऐसे करके, तो उतना क्लियर आवाज नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो इसके पीछे का कारण समझ में आ रहा है कि यहाँ ऊर्जा क्या हो रहा है, कम जा रहा है। तो यहाँ जो चिल्लाने के बाद ऐसे करने के बाद जो हिलता था ना, वो ध्वनि के ऊर्जा की वजह से कंपन करने लगता है। और कंपन कर रहा है मतलब कि इसमें विस्थापन हो रहा है, जो अथी था उसमें विस्थापन हो रहा है। या आप उतना नॉर्मल समझिए ना कि एक थाली ले लीजिए इस तरह से, एक थाली और थाली पर कुछ छोटा छोटा कंकड़ डाल दीजिए, थरिया को चम्मच ऐसे पीटिए, पूरा के पूरा उछाले लगता है। लेकिन वहां पर हम लोग कह सकते हैं कि थाली बल लगा दे रहा, मतलब को संपर्क में है। लेकिन अगर ऐसे बोलेंगे तो संपर्कित है नहीं, तो ये जो कंपन हो रही पूरी के पूरी किसकी वजह से? ध्वनि ऊर्जा की वजह से। तो वो जो चिल्लाने के बाद बोलता है जितना कि जितना कस के बोलेगा उतना भयंकर नाचेगा, नाचेगा तो इसका मतलब जितना कस का बोलिएगा उतना ज्यादा ना ऊर्जा आएगा, तो जितना ज्यादा ऊर्जा आएगा उतना ज्यादा क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा। आखिर बचपन में जो काम करता होगा तुम लोग, तो चिल्लाता है तो वो नाचता का है। तो नाचने का मेन पीछे लॉजिक क्या है कि ध्वनि एक तरह का ऊर्जा है, ध्वनि एक तरह का ऊर्जा है। लेकिन हम लोग को जो मेन मोटो है, हम लोग को जो मेन थोड़ा पता है जो मेन घास रहता है पौधा, जैसे घास का पौधा होता है, अभी कहाँ से मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा आपको, बरसात के मौसम में मिलता है। ठीक है, समझे? यहाँ पर देखिए हम लोग को मेन जो पढ़ना है इसमें क्या पढ़ना है कि ध्वनि उत्पादन। देखिए ध्वनि उत्पादन कहने का अर्थ है ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है।
ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। तो आप सिंपल समझिए कि जो वस्तु कंपन करेगा, ठीक है, जो वस्तु कंपन करेगा तो उसकी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। जैसे देखिए, अगर हम इसका ऐसे टच करेंगे ना तो आपको नहीं सुनाई देगा। देखिए इधर, ए लड़की, इधर देखो, सिंगार पटाओ, ध्यान रखना। देखिए इधर सुनाई नहीं दिया, लेकिन इसी चीज का विकास के कंपन करा दे तो ध्यान का, जैसे देखिए सुनाई दिया, सुनाई दिया है। सुनो, साइलेंट, देखे मारे में तो घूम जाएगा। अगर हम मुंह बंद करके बोले, जीभ को ऊपर नीचे नहीं करें तो हमारा आवाज नहीं निकल पाएगा। जैसे देखिए, अगर हम अगर बोलना चाहे भी, अरे जैसे देखिए, जीभ हम नहीं उठाएंगे, मुंह नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे अब हम बोलते होंगे ना, देखिएगा, समझिए इस चीज को, आप समझिए होता क्या है। ए मम्मा पप्पा बंद कीजिए, आप इधर से मुझे सुनिए हमारी बात को। तो यहाँ पास देखिएगा ना, तो यहाँ पास अगर हम बोलेंगे तो हमारे लिप्स जो है ऊपर नीचे होगा, इसके साथ साथ अंदर में जो जिह्वा है ना, 32 को पेड़ मिलल एक ही को पत्ता है ना, तो उसे अरे नहीं है यहाँ पास देखिएगा तो याद कीजिए कि जिह्वा ऊपर नीचे होता है। हम बोलेंगे तो आप गौर से देखिएगा, कैमरा में दिख रहा है ऊपर नीचे होता है। आप भी बोलोगे तो होगा, तो होगा, लेकिन अगर बोलो जीव जाग रहा है नहीं बोल पाएगा, बोलेगा नहीं बोल पाएगा, वहां पास खर्चा लगा नहीं लगता है, जीव खाटा लगता है, टच किया लगता, हाथ धोए नहीं थे बहुत देर से, ऐसे जीव में चल। तो यहाँ पास आपको एक चीज हमेशा, अरे तो खाता नहीं लग रहा है, लड़के ऐसे डाल ले, डाल ले, हम ऐसे कर रहे हैं, बताओ ये चला जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है, तो ध्वनि उत्पन्न होने का एक सुनो, ध्वनि उत्पन्न होने का मेन रीजन क्या है, तो ध्वनि उत्पन्न का जो मेन रीजन होता है वो होता है कंपन, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है वाइब्रेट या वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। देखिएगा, अगर बाबा डीजे बज रहा है और तू पोता जा करके वहां पर हाथ सटाओ स्पीकर में, पूरा भयंकर फेंकता है कि नहीं फेंकता है, तो वहां पर देखिए तो उस स्पीकर में भी कंपन होता है, कंपन होता है। तो ध्वनि उत्पन्न होने का मेन रिजल्ट क्या होता है, कंपन। अब उस कंपन में ऐसा क्या क्या चीज होता है उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ कि हमारे पास यहाँ कोई सोर्स है जिससे हम कंपन करते हैं, ठीक है, कंपन करते हैं। जैसे मान के चलिए कि इसको हम ऐसे खींच करके इसको छोड़ दें, तो छोड़ेंगे तो इधर उधर होगा ना। जैसे आपको रबड़ एक लीजिए, उसको ऐसे करके ऐसे खींचिए, ऐसे दो रबड़ है ऐसे पकड़ लीजिए और पीछे से ऐसे खींचिए, या स्प्रिंग लीजिए, तो उसको खींचला के बाद ऊपर से नीचे बड़ी देर तक भन भन कर इतना आ जाता है। वो भन भन लड़की वाला नहीं, एक एक चटक मारना है ऐसे, तो भन भन आई तो घर चल जाएगी, मैं मार दूंगा हम लड़ाई चार को लड़ा देगी मम्मी से, मम्मी और बेटिया का मान लो रे पापा, आप समझिए नहीं, पापा समझदार होते हो, समझा झगड़ा नहीं करते, मम्मी तो बिना वॉल्यूम के चालू हो जाएगी रे, कितनो वॉल्यूम आई ठोक काम होवे नहीं करे, आप समझिए। तो यहाँ पास इस चीज को आप समझिए कि यहाँ पास अगर आप इस खींच करके छोड़ते हैं तो होता क्या है कि ये अपने आस पास के, अपने आस पास के जो कण होता है ना उसको भी हिला देता है। जैसे साइकिल लगा हुआ एकदम सीरियल से, एक साइकिल को आप गिराइए पूरा को गिरा देता है, या इट्टा बचपन में सर आया है तो लोग थोड़ा थोड़ा दूर पर, जैसे मान के चले कि यहाँ एक ईटा है, एक ईटा ऐसे ऐसे, तो एक को किधर से धक्का दोगे ना तो यहाँ वाला ही वाला ईटा संपर्क में नहीं है, देखिए है, फिर भी इस ईटा को आपने धक्का दिया है लेकिन लास्ट में ये ईटा गिर जाएगा। तो गिरेगा तो इसके पीछे कारण क्या होता है, कि इसको धक्का दिया, ये वाला इसको धक्का दिया, फिर ऐसे करते करते आखिरी वाला ईटा गिर जाएगा। तो यहाँ पास भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, इसको आपने खींचेगा तो इसके आस पास बहुत सारा क्या होता है, कान होता है। तो एक कान क्या होगा, एक दूसरे से सटल रहता है, तो इस तरह से कान सटल रहेगा ऐसे। अब बताइए तो कि जैसे ही इसको धक्का देगा तो एक कान पास पास आ जाएगा, पास पास आ जाएगा, लेकिन पास पास आ करके जैसे यहाँ पास एक कान है तो बगला वाला के यहाँ धक्का देकर के फिर अपनी स्थिति में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
तो आ जाएगा और ये वाला फिर आगे जाके धक्का दे देगा। तो ऐसे देखिएगा, तो इस तरह से ऐसे आपको मिलेगा, बार बार पास पास आएगा, फिर दूर दूर ऐसे करके ये आएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि कभी कभी बहुत पास पास लाइनिंग आ जा रहा है और कभी कभी दूर दूर हो जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। कभी कभी ये दूर दूर कभी कभी पास पास जब आ रहा है ना, तो इसमें दो सिचुएशन बन रहा है। एक आपका देखिएगा तो माध्यम सघन हो जा रहा है, और एक माध्यम देखिएगा तो आपको बिरल नजर आ रहा है। बिरल मतलब छह है, बिरल मतलब छह है, और सघन मतलब घना, सघन मतलब घना, सी और होता है। ठीक है, आपको दो माध्यम दिखेगा, एक बिरल दिखेगा, बिरल मैंने दूर दूर, और सघन मैंने भीरू भीरू। तो याद रखिएगा कि जो भीरू भीरू रहेगा, जो भीरू भीरू रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सघन या संपीड़न, सघन या संपीड़न, और उससे हम लोग सी से डिनोट करेंगे। और जो दूर दूर रहेगा उससे आर रियर यानी कि छह है, और इसे अपन लोग आर से डिनोट करेंगे। देखिए सी आर, सी आर इस तरह से डॉट 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 रहेगा ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे संपीड़न, इसे बोलेंगे बीरल, सघन बीरल, सघन बीरल, सघन बीरल, इस तरह से जाएगा। अब बताइए तो कि अगर इस तरह से ऐसे कान मतलब ध्वनि का तरंग जा रहा है, यहाँ पास आपका कान नजर आ गया, इस तरह से आपका ये कान है, तो बताइए तो कि कान रहेगा तो इस ध्वनि को सुन लेगा कि नहीं। तो अगर हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पास वायु है, तो हमारी साउंड जो है ना वायु को कान को धक्का दे करके आपके कान तक के ये जो आपको दिख रहा है कर्णपटल, इसको तक पहुंचा रहा है, इसको तक पहुंचा रहा है। तो ये आपकी साउंड मतलब अंदर सिस्टम होता है, वो साउंड को क्या करता है, आदमी सुन सकता है। अब बताइए अगर आप के और मेरे बीच का जो माध्यम है, इस माध्यम को हटा दिया जाए, एकदम पूरी तरह से निर्वात कर दिया जाए, यहाँ तक कि हाथ मिलावे से ऐसे कुचुर कुचुर करे से समझ में आता है। अगर यहाँ देखिए मेरे और आपके बीच में माध्यम है, अभी कुछ नहीं तो वायु है ना, अगर इस वायु को हटा दिया जाए, एकदम कंप्लीटली एकदम निर्वात कर दिया जाए, कुछ भी नहीं, तो क्या हम जो बोल रहे हैं आपको सुनाई देगा? कभी नहीं, क्योंकि सुनाई आपको तब देगा जब ए वाला क्रिया होगी, और ए वाला क्रिया तबे होगा जब कोई माध्यम होगा, और जब माध्यम होगा ही नहीं तो आपको सुनाई नहीं देगा। तो बताइए ध्वनि का संचरण मतलब चलना, चलना संचरण मैंने चलना, तो ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं? माध्यम की आवश्यकता होती है, वो माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, लेकिन माध्यम होती है। तो याद रखिएगा ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि संचरण, संचरण के लिए, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता, आवश्यकता होती है। अब वो माध्यम क्या हो सकता है? इधर समय डर नहीं लगता, बैठिए नजदीक बात कर रहा है, मारेंगे तक घूम जाएगा, बता देते हैं पैजामा से। माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम ठोस हो सकता है आपका, द्रव हो सकता है, या तो फिर गैस हो सकता है, लेकिन माध्यम को होवे पड़ेगा, माध्यम नहीं रहेगा तो आप ध्वनि सुन नहीं सकते। तो बताइए तो आप लोग, आप बताइए ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है? यू ए बोलो ना, ये बोलो, देखो बकलोल के तू बताओ, ध्वनि उसी को कहते हैं जो ऑडिबल होता है, जिससे हम लोग सुन सकते हैं, वही ध्वनि होता है। लेकिन याद कीजिए कि हम ये भी बताएं कि इसके अलावा दो और ध्वनि होती है, तो हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये ध्वनियां हैं अब श्रव्य और प्राश्रव्य, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? श्रव्य ध्वनि, यानी जिसे हम लोग
सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका साउंड है। उसके बाद इस क्लास के बाद हम लोग को पढ़ना आवृत्ति, आयाम, तरंग दैर्ध्य, ये सब क्या चीज होती है उसको पूरी अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम आपको बताएंगे।